बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ उस टाइम को मैनेज करते हुए एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस अपनी लाइफ के अंदर लेकर आए, रादर देन एक नेगेटिव एक्सपीरियंस। आज के टाइम में टाइम मैनेजमेंट की कोई इतना ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम उनका स्क्रीन टाइम में चला जाता है और वो पता भी नहीं चलता है कि जब वो कहते हैं कि हम लोग बिंज वॉच करने लगे, एक नया टर्म आ गया है कि जब बहुत देर तक अगर आप कंप्यूटर या अपने टैब के आगे बैठे रहते हो तो हम लोग बिंज वॉचिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसे हो और कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये? देखिए, इसमें बच्चों को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए जी, और पेरेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए कि बच्चा किस एज का है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका सुबह उठने का समय प्लस सुबह की दिनचर्या, उसका स्नान करना, वॉशरूम जाना, पूजा करना, अपना बैग लगाना इत्यादि इत्यादि, और स्कूल टाइम से जाए। ये भी एक कल्चर है कि बच्चा लेट हो गया क्योंकि पेरेंट लेट उठे हैं, और बच्चा खुद रात को लेट सोता है फिर सुबह लेट उठता है जी। तो सुबह की दिनचर्या, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, ये बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है जी। फिर स्कूल से आने के बाद का आफ्टर स्कूल भी उसकी, बच्चे की स्केजुअल बनी हुई होनी चाहिए, दिनचर्या बनी हुई होनी चाहिए कि वो अपने ड्रेस चेंज करेगा, खाना खाएगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर वो होमवर्क करेगा, फिर वो थोड़ा खेलने जाएगा, फिर थोड़ा टीवी देखेगा, फिर डिनर करेगा, शाम को थोड़ा पढ़ाई करेगा, स्वाध्याय करेगा और सोएगा। तो उसकी एक शीट बना के दे दो आप बच्चे की कि आप इतने बजे तक अप्रॉक्सीमेट ये करेंगे, और 10 बजे से पहले बच्चे को सो जाना चाहिए जी, और सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि 10 से 2 के बीच में जो हमारा माइंड है, ब्रेन जिसको मशीन है, जितनी भी आप एक्टिविटी क्रियाकलाप दिन में करते हैं उसकी फाइल कहाँ पर जानी चाहिए वो एडजस्ट करते हैं जी। तो जो लोग रात को 12-1 बजे तक जागते हैं उनकी सुबह नींद पूरी नहीं होती है, उनका माइंड सुबह उठते हुए ही थका हुआ होता है और बॉडी सुस्त रहती है, लेजी रहता है वो बच्चा और एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता, मेमोरी वीक हो जाती है फिर जी। इसलिए समय सारणी बनाना, अपना स्केजुअल टाइम का बनाना और टाइम मैनेजमेंट सीखना जीवन की सफलता का एकमात्र सूत्र है। तो सर, ऐसे में क्या ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स भी अपना दिनचर्या बनाए? क्योंकि अगेन जो हम लोग पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे, वेंसडे के दिन जब हम मिले थे तो हमने बात करी थी कि पेरेंट्स को बच्चों का रोल मॉडल होना चाहिए, और ऐसे में पेरेंट्स जब अपने एक अगर वो जॉब पर जाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में बड़ी सारी चीज़ों को वो नज़रअंदाज भी करते हैं। तो कैसे पेरेंट्स स्टार्ट कैसे करें इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को ये देखना होगा कि मैं अपनी दिनचर्या में कौन कौन सी चीज़ ठीक टाइम से कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ों में मेरी आदत बन गई है जो मैं डिले करता हूँ जी, उसको लिख लेना चाहिए। एक डायरी राइटिंग एक बहुत अच्छी आदत है, राइट? शाम को सोने से पहले अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को देखें कि मैंने क्या ठीक किया और क्या गलत किया और लिख लें उसको जी। लिखने का फायदा ये है कि कॉन्शियसनेस जो है ना, आदमी की एकाग्रता जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस, वो एकाग्र हो जाता है, और जब वो ये सोचता है कि ये मैंने गलत किया और अगले दिन वो सोचेगा कि अरे गलत किया, तो कुछ दिन में ऑटोमेटिकली वो आदत अच्छी बन जाएगी। तो बच्चे भी डायरी अपनी रोज लिखें और पेरेंट्स भी लिखें। दूसरा इसमें ये है कि अगर पेरेंट गलत करेंगे, बच्चा जो सीखता है वो अपने सबसे पहले माँ को, माँ कहते हैं ना सबसे पहली गुरु है जी, राइट? तो माँ अगर लेट उठेगी और बच्चे को ब्रेड बना करके लंच में दे देगी तो बच्चा कोई भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है कि यार मम्मी तो खूब सही ठीक है और मम्मी तो सक्सेसफुल है, राइट? तो सक्सेस और फेलियर जो है टाइम टेबल पर बहुत निर्भर करती है। चाहे आप थोड़े समय के लिए सक्सेस हो गए हैं, लेकिन यही आपकी फेलियर का कारण बन जाएगा। तो पेरेंट्स जो है डायरी लिखें, बच्चों से डायरी लिखवाएं, अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, टाइम टेबल उनका अपने फ्रिज पर मैग्नेटिक उससे चिपका सकते हैं कि कल उसको क्या खाना है, कितने बजे खाना है। अगर आप घर पर भी नहीं है, मान लो आप जॉब पर भी गए हुए हैं, आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स दोनों जॉब करते हैं और उनके लिए बहुत एक हेक्टिक लाइफ होती है जी। क्योंकि जीवन को आज की युग में जीना
अति कठिन है, तो वो बच्चे की टाइम टेबल बनाने में बच्चे को हेल्प करें, बनवाएं बच्चे से, बच्चे की ओनरशिप होनी चाहिए, बच्चे को ये फील होना चाहिए कि ये मैंने बनाया है जी। और जब वो अचीव करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि घर का एक एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, आपस में प्यार बढ़ेगा और बच्चे पेरेंट्स को पसंद करेंगे, उनसे दूर नहीं भागेंगे।